हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू मटर की एक बढ़िया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलो, इसको बनाने के लिए हमने लिए 300 ग्राम मटर और 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो। तो बस पोटैटो को एक पैन में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसमें हल्का सा नमक डालना है ताकि जो ये मटर है इनका कलर चेंज ना हो जाए। बस इनको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक कर लीजिए। बस ये हमारे कुक हो गए हैं अब आलू मटर। तो चलो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं फिर अब तड़के की तरफ। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं प्याज, एक पिंच अदरक का टुकड़ा लिया है अच्छे से चॉप करके, और हरी मिर्च और लहसुन की 10-15 कलियाँ, इसको अच्छे से चॉप कर लीजिए। और एक पैन लीजिए, पैन में आप अपने तड़के के अकॉर्डिंग तेल डाल सकते हो, आप रिफाइंड भी डाल सकते हो, आप अगर सरसों का पसंद करते हो तो सरसों का भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है अदरक, क्योंकि अदरक थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसको मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ। और जैसे ही हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन, और हल्का सा लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च दोनों ही इकट्ठे ही डाल दिए हैं। बस फ्रेंड्स, को इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच धनिया पाउडर। बस धनिया पाउडर जैसे ही हल्का सा कुक हो जाए तो उसमें डालना ही हमने टोमेटो प्यूरी। बस टोमेटो प्यूरी को जब प्यूरी तब डाल रही हूँ ना, तब उसको अच्छे से 3-4 मिनट तक अच्छे से कुक होने देना है। उसके बाद ही इसमें फर्दर मसाले ऐड करने होते हैं। जैसे ही टोमेटो अच्छे से टोमेटो प्यूरी अच्छे से मतलब कुक हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें दूसरे मसाले ऐड किए हैं। मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, नहीं, जीरा पाउडर। धनिया तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो अब मैंने ऐड किया है इसमें जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला है हींग, और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ जस्ट फॉर कलर है, वरना हम बहुत कम यूज़ करते हैं ये लाल मिर्च। इससे ना सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस थोड़ा सा इसमें डाल लीजिए आप नमक और हल्दी। नमक और हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। बस फिर से इसको अच्छे से कुक करना है फ्रेंड्स 2-3 मिनट तक, जब तक कि ये सारे मसाले तेल ना छोड़ दें। बस जैसे ही ये कुक हो जाए उसके बाद आप इसमें अपने जो बॉयल किए हुए आलू मटर है आप डाल दीजिए। फर्दर इसको 3 या 4 मिनट के लिए कुक कीजिए ताकि ये जो मसाला है ये अच्छे से आलू और मटर में रच जाए और एक बढ़िया सा फ्लेवर दे। बस ये हमारी हो गई है सब्जी रेडी। तो चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो सर्व करने के लिए सर्व करने से पहले मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, जो मेरी है फेवरेट। ये मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ फ्रेंड्स। इसमें को डालने के बाद आप हरे धनिया स्किप भी कर सकते हो, आप हरा धनिया डालें या चाहे ना डालें। चलो फ्रेंड्स, फिर हम अब इसको कर लेते हैं सर्व। आप इसको पूरी, चपाती, चावल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी एक अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना मस्त आ रहा है। देखिए ये ना आपको ना जैसे शादियों वाली सब्जी का ऐसा फ्लेवर आता है जैसे कि शादियों वाली सब्जी है। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना।